चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि गिद्ध हमारा और हमारे प्रकृति का दोस्त आखिर कैसे है और गिद्ध आखिर क्यों विलुप्त होता जा रहा है। तो चलिए, इस खास बातों से रूबरू होने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आप जरा 20 वर्ष पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको वो गिद्धों की टोली नजर आने लगेंगे। यानी 20 वर्ष पहले गिद्ध पेड़ों पर तो कहीं आकाश मार्ग में भ्रमण कर अपने भोजन की तलाश करते नजर आते थे। और गिद्धों को प्रकृति में ईश्वर ने इतने पावरफुल आंखें दिए हैं जो कि अपनी ऊंची उड़ान भरकर आसानी से मीलों दूर तक अपने भोजन की तलाश कर सकता है। और जैसे उसे कोई मरा हुआ जीवाश्म नजर आ जाता था, फिर क्या देखना, सारे गिद्धों का झुंड उस जीवाश्म पर एक साथ टूट पड़ता था और चंद ही समय में उस मरे हुए जीव को चट कर जाता था, जिससे कि वातावरण में उस मरे हुए जीवाश्म का दुर्गंध, विषैले कीटाणु का दुष्प्रभाव नहीं हो पाता था, वातावरण स्वच्छ और निर्मल रहता था। पर आज अगर आप सुबह स्वास्थ्य को ठीक करने के ख्याल से टहलने के लिए निकलते हैं तो आपको रास्ते में मरे पड़े जीवाश्म का ऐसा हवा में दुर्गंध फैला होता है कि दम घुटने लगता है। और वह दूषित हवा हमें तरह तरह के भयानक से भयानक बीमारी से ग्रसित कर देता है। शुद्ध हवा विषैली हवा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा होगा भी क्यों नहीं, प्रकृति में मरे हुए सरे गले जीवाश्म साफ करने के लिए एक सफाई कर्मी के तौर पर गिद्ध राजा को ईश्वर ने ही नियुक्त किया था। पर हम मानव अपने स्वास्थ्य में उस सफाई कर्मी गिद्ध को ही मार डाला, जब लगभग 4.5 करोड़ से भी ज्यादा गिद्ध हुआ करता था। पर आज की अगर मैं बात करूं तो आज 95% से भी कम गिद्ध बचे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मानव प्रकृति के द्वारा मुफ्त में मिले सफाई कर्मी गिद्ध राजा का जानी दुश्मन आखिर कैसे बना। दोस्तों, मानव एक प्रकृति का सबसे उत्तम जीव की श्रेणी में आता है, पर ये तो सब दिन अपने फायदे के लिए ही सोचा है। अपने फायदे में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, गाय या भैंस का बछड़ा मर जाने पर पशुपालक दूध उतारने के लिए पशु के मांस में ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करके दूध उतारने का काम करते थे। जबकि मात्र 1 ml ड्रग्स 4.5 क्विंटल वजन के पशु को प्रभावित कर दूध उतार देता था। और चोट, दर्द और सूजन में डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का प्रयोग इलाज के दौरान चल रहा था। जब जानवर इलाज के दौरान मर जाता था तो उसे खुले में फेंक दिया जाता था और प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध उसे अपने पेट की शुदा मिटाने के लिए उस जीवाश्म को खा जाता था, जिससे वह ऑक्सीटॉक्सिन और डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन गिद्ध को भारी नुकसान पहुंचाया। अब मैं आपको पहले ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन के दुष्प्रभाव को बताना चाहूंगा। ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन पशु के गर्भ धारण करने की क्षमता को ही छीन लेती है। यानी गिद्ध मीट तो करती है पर बच्चे नहीं दे पाते। और डाइक्लोफेनिक ड्रग्स का प्रयोग से गिद्ध की किडनी भी फेल हो जाती है। यानी डाइक्लोफेनिक ड्रग्स का प्रयोग किया हुआ पशु को गिद्ध जैसे ही खाता है, 24 घंटे के अंदर पशु का उस डाइक्लोफेनिक ड्रग्स मांस में फैले रहने के कारण गिद्ध का किडनी फेल हो जाता है और मात्र 24 घंटे के अंदर ही उस गिद्ध की मौत हो जाती थी। 1991 से ही ये डाइक्लोफेनिक का दुष्प्रभाव का असर हो रहा था, पर इस दुष्प्रभाव पर किसी का नजर नहीं था। लेकिन बहुत ही तीव्र गति से गिद्ध को मरते देख जब वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लिंसे ऑक्स ने जब अध्ययन किया तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने देखा ऑक्सीटॉक्सिन जीव को नपुंसक बना रहा था और डाइक्लोफेनिक किडनी को डैमेज करता था। इस बात का सूचना भारत सरकार को दिया गया और भारत सरकार सन 2006 में ही दोनों ड्रग्स को पशु के लिए बैन कर दिया। लेकिन फिर भी अभी भी बाजार में चोरी छिपे इस ड्रग्स का प्रयोग जानवर के ऊपर किया ही जा रहा है, पर पहले से कुछ कम। लेकिन दोस्तों, जरा गौर फरमाएं और देखें कि जब 3 से 4.5 क्विंटल वाले पशु को ये ड्रग्स इतना भारी नुकसान पहुंचा सकता है तो मानव तो मात्र 50 से 60-70 किलो का ही होता है। अब आप ही बताएं, इस ड्रग्स का प्रयोग मानव भी दूध के रूप में करता है तो आखिर मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा।
इस पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से वाकिफ हो ही गए होंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको इन दो ड्रग्स से खुद को बचाना ही होगा और अपने समाज को भी बचाना होगा। आज के वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी को आप अपने समाज और आप अपने हर भाई बंधुओं के पास शेयर जरूर करना चाहेंगे। और हाँ, इस ड्रग्स से और क्या क्या नुकसान होता है इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो ये भी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत